आ जा भाई, आ जा आ जा बाबूजी, तो राजो बाबूजी हमारे हमारे ना 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 बताना पड़ेगा जी, देखो विचारों के बारे में पूछ रहे थे कि विचारों का जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है। जो गंदे विचार होंगे तो गंदा काम चलेगा समाज में, अच्छे विचार होंगे तो अच्छा चलेगा। किसी की संगत से अगर विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सो आइए आज इन्हीं विचारों पे चर्चा करते हैं, बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिक व जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। राम राम बुजुर्गो। राम राम। सबसे पहले आप नाम क्या है जी आपका? मांगेराम। उम्र कितनी होगी आपकी? 72 साल। 72 साल, 72 साल का ज्ञान का जोड़ा लेकर घूमन लग रहे हो जी, हैं? तो हमारा सवाल आपसे ये है जी कि संगत का, जो संगत होती है ना, संगत क्या होती है? संगत पहले तो ये बता दो जी। संगत का तो मतलब ये है भाई, अच्छे लोग बैठो, अच्छी राय ले, अच्छा समाज में बर्ताव करो। इब जैसे गंदे आदमी अंदर बैठोगे तो गंदा माहौल बनेगा, अच्छे आदमी अंदर बैठोगे तो अच्छा संगत बनेगी। मतलब तो ये हो से संगत का, और के संगत का विचारों पे, जो संगत होती है ना जी उसका विचार समझ तो आ रही होगी ना मेरी बात आपको, जो संगत होती है ना, संगत का विचारों पे क्या फर्क पड़ता है? बता भाई बता कि मैं तो रहे दिए नहीं, विचार तो अच्छे प्रभाव पड़ेगा अच्छे तो। मतलब जैसे बुरी संगत होगी तो बुरे विचार आवेंगे, बुरे विचार, अच्छी संगत होगी तो अच्छे विचार आवेंगे। तो जो संगत होती है ना बाबू जी, संगत का विचारों पे क्या फर्क पड़ता है अपनी भाषा में बताओ? हाँ भाई, संगत में अच्छे आदमी है तो अच्छा विचार बनेगा, अच्छा बैठेगा उनको ऊपर, और जो गलत विचार हम बैठे हैं तो गलत रंग चढ़ेगा उनके। ये तो बात आम दिखा अपन है, अच्छे आदमी अच्छे लोग बैठो प्रचार करो, अच्छी संगत में लियाओ उनको, इनका तो हिसाब ही हो सो। और दूसरा सवाल ये है जी, जो संगत का विचारों पे फर्क पड़ता है लेकिन विचारों का जिंदगी पे भी फर्क पड़ता है जी, है ना? तो जो विचार होते हैं ना, विचारों का जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है? वो तो अच्छे विचार मैं सोचांगे तुम्हारी जिंदगी में भी सुधारा होगा, सबके में अच्छा होगा, बच्चों पर अच्छा असर पड़ेगा, अच्छा विचार देवांगे, यू पड़ेगा नहीं इन पर। तो जैसे ये बच्चे हैं ये सीखेंगे नहीं, तो ये हमारे अच्छे विचार होंगे तो अच्छे सीखेंगे, निकम्मे विचार होंगे तो गलत सीखेंगे। ये कार्य बने हैं नहीं, अच्छे विचार आदि हुए मतलब हो से। आजे रे, नमस्कार बाबू जी। हाँ जी नमस्कार जी, ये पल्ला जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? बल्ला। कितनी उम्र होगी आपकी? 65 है। 65 साल की उम्र में आप दोहरे भी पूरा ज्ञान का झोला भर रहे हैं जी, ऐसी बात नहीं है। यो गेल्ला लेके जान की सलाह है फिर? हाँ भाई ज्ञान कर रहा है। जो विचार होते हैं ना जी, विचार संगत से तो विचार मिलते हैं, जो संगत अपनी उससे विचार मिलेंगे, लेकिन उन विचारों का अपनी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी ठीक है जी, अच्छा ही गुजर रही है जिंदगी तो। आप ये ना सोचो कि आपकी वीडियो बनने लग रही है, आप ये तो सोचो ही ना कि आपकी वीडियो बनने लग रही है, आपके सामने कैमरा लगा हुआ है। आप अपनी भाषा में जवाब दोगे, जो विचार होते हैं विचारों का जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है? कैसी जिंदगी, गंदे विचार होंगे तो कैसी जिंदगी होगी, अच्छे विचार होंगे तो कैसी जिंदगी होगी? अच्छा माछी बनाएंगे, बोरिया बोरी बनाएंगे जिंदगी, और के हाँ भाई विचार ठीक है तो ठीक, टाइम पास होगा, गलत विचार है तो गलत होगा है। तो इस बात में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा जी, खैर आप जैसे बुजुर्ग आते सीखी है, कहते हैं कि ना घर में सांप निकलता है तो उसको डंडों से पीटा जाता है, अगर वही सांप मंदिर में शिवलिंग पे दिखे तो उसे हाथ जोड़ के दूध भी चढ़ाया जाता है, वो भी तो एक संगत है। मतलब घर में निकला तो डंडों से पीटा, और मंदिर में शिवलिंग पे दिखा तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, दूध चढ़ाया गया उस पे। दूध चढ़ा जे है मंदिर में तो दूध दे चढ़ाऊंगे सिर्फ, पर क्यों को तो शिव जी का मान्या जैसे। मतलब इसका उदाहरण साथ छोटा सा ये है जी, ना नहीं देखा जी, आ जा भाई, आ जा आ जा बाबू जी, तो राजो बाबू जी हमारे हमारे ना 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 बताना पड़ेगा जी, देखो देश का डरा होना है तुमने पता है, अरे देश का डरा हो हाई बोल लग रहे मान लग रहे वहाँ, और ओड़े कौन जाने तुम, आपकी इच्छा है दो बातें बताने की, नॉर्मल चलो कोई बात नहीं,
कश्मीर में, कश्मीर में उसको बोलिया बहन चोद ये 370 तोड़ दे। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ भाई। नॉर्मल सा वीडियो था बाबूजी, विचारों के बारे में पूछ रहे थे कि विचारों का जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है। अरे जिंदगी का तो फर्क सारा है पड़े है, अच्छे विचारों में सारा है फर्क पड़ेगा। जो गंदे विचार होंगे तो गंदा काम चलेगा समाज में, अच्छे विचार होंगे तो अच्छा चलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आवे ही। तो मतलब ये है कि अच्छे विचार वाला बंदा अगर गलत बंदे के साथ दिखेगा ना तो वो भी गंदा ही कहलवाओगा भाई। कहवाओगा इसमें की सकते, बिल्कुल गंदा कहवाओगा। अच्छा आदमी थोड़ा बैठेगा तो अच्छे विचार लेके ज्ञान पाओगा, कुछ न कुछ मिलेगा उसको। और गंद तो थोड़ा बैठेगा तो आप आला भी खोज देगा जो दिमाग से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सो गाइज, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।